लेकिन आज वो आपको ईद के शो पे भी नजर आएंगी हमारे शो पे, क्योंकि वो है हमारी फिल्म की हीरोइन। सो वेलकम करते हैं खूबसूरत, टैलेंटेड और मुस्कुराती हुई आपकी फेवरेट नीलम मुनीर। सबका दिल ले उड़ जाऊं मैं ऐसी चिड़िया। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। इधर 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 हमारी हीरोइन कितनी खुश है। आज की जो ईद है नीलम की वो बाकी ईदों से मुख्तलिफ है। आई एम श्योर, बिल्कुल। तो नीलम की क्या फीलिंग है? बाकी पिछले दो साल से सिनेमाज नहीं खुले हैं ना, दो साल से। तो दो साल जो ईद गुजरी है बहुत ही सिंपल थी, ये ईद यकीनन बहुत मजेदार है। हाँ, यस। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या करना है नीलम ने? फिल्म देखनी है, फिल्म देखनी है और फिल्म देखनी है। अपनी ये फिल्म देखनी है। ईद के सारे जितने भी छुट्टियां हैं वो नीलम ने हर रोज सिनेमा जाना है। भाई देखे, मेरे डायरेक्टर और जो मेरी प्रोड्यूसर है, इन्होंने ना मुझे गाने दिए, ना मुझे ट्रेलर दिया, ना मुझे टीजर दिया, तो मुझे इतना वेट करना पड़ता था। फाइनली जब फिल्म लग गई है तो फिर हक बनता है ना कि मैं जाके देखूं। अच्छा, क्या 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 बंटवारे? अब जाके आया है ना मैं। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैंने आपसे मेकअप रूम में भी कहा था माशाल्लाह डिफरेंट लग रहे हैं। अच्छा देखो, तुमने क्या तय किया हुआ है कि एक दिन जो है वो फैमिली को लेके जाना है फिल्म दिखाने, और फिर अगले दिन किसको ले जाना? फैमिली तो एवरीडे जाएगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि माशाल्लाह मैंने पहले बताया था मेरा खानदान है, तो हम सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं और सिनेमाज में बहुत ज्यादा जाना नहीं होता। लेकिन अब फाइनली हम जाएंगे और अपनी फिल्म को देखेंगे, प्रमोट करेंगे। फिल्म के अलावा ईद पर और क्या करेंगी नीलम? कुछ प्लानिंग है इस दफा? इस दफा तो यस, इनफैक्ट मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ, जब मैं ये सीढ़ियाँ यहाँ से उतरी थी तो हमारी मूवी में भी एक सीन है, अगर आपको भी याद हो, आपको भी याद हो, इसमें कहती है जान के घिराया गया है मुझे। तो मैं अब उधर खड़ी हूँ, हाँ, और नहीं, और मेरे दिमाग में ना वही सिचुएशन चल रही थी। तो यू नो हम पे इतना प्रेशर होता है, इतनी मेहनत से हमने मूवी बनाई है, चक्कर आप जरूर जाके देखेगा, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे, है ना?